हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे हो। त्यौहार का समय है तो इस समय हम सभी घर की साफ सफाई में बहुत ज़्यादा बिजी हैं। आपके लिए यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे टिप्स और हैक्स हैं जो आपके लिए बहुत ही काम में आएंगे। जैसे मैं यहाँ पे ये कर्टन को खोलने के बाद इसे इस तरह से रस्सी से बांध देती हूँ। इससे दो फायदा होता है, एक तो जब इसे लगाते हैं तो उसे लगाने में आसानी होती है, और दूसरा इस तरह से धुलने से एक भी रिंग टूटते नहीं है। क्या आप भी मेरी तरह ज्वेलरी पहनना पसंद करते हैं? तो फिर पहनने के साथ साथ इसे साफ़ सफाई भी करना होता है। मैं देखिए ये ऑक्सीडाइज ज्वेलरी को साफ़ करने के लिए यहाँ पे सॉस का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरह के सॉस के पाउच अक्सर जब भी हम होम डिलीवरी में कुछ भी खाना ऑनलाइन में मंगवाते हैं तो उसमें मिल ही जाते हैं। अगर उसका डेट एक्सपायरी हो जाए तो उसे फेंकने से पहले इस तरीके के साफ़ सफाई में उसे हम यूज़ कर सकते हैं। मैं देखिए यहाँ पे सॉस को इसमें लगा के बस 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। उसके बाद आप देखिए इसे जैसे ही मैं पूरे अच्छे पानी से धोऊंगी, देखते देखते इसका जो कालापन है वो पूरा साफ हो जाएगा और ये बिल्कुल नए जैसा चमकने लगेगा। पंखे में अगर बहुत ज़्यादा धूल पकड़ लेता है तो उस समय मैं इस तरह के पीलो कवर का इस्तेमाल करती हूँ। इससे क्या होता है, एक भी धूल गंदगी नीचे नहीं गिरती है, यहाँ तक कि मेरे ऊपर भी नहीं गिरती है, और ये बहुत आसानी से साफ़ हो जाते हैं। उसके बाद कोई भी लिक्विड डिटर्जेंट की सहायता से मैं इसे थोड़ा सा साफ़ कर दूंगी तो ये बिल्कुल चमकने लगेगा। जब भी इस तरह के साफ़ सफाई का काम में लगती हूँ तब लगे हाथ हाथ के सामने में रहने वाले सोफिस को भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे सोफिस के धूल को झाड़ने के लिए ये छोटे छोटे पुराने वाला जो पेंट का ब्रश होता है उसका इस्तेमाल करती हूँ। इससे बहुत आसानी से धूल गंदगी निकल भी जाता है और सोफिस साफ़ भी हो जाते हैं। झाड़ू लगाने का काम रेगुलर का है, लेकिन फिर भी देखिएगा घर के किसी किसी कोने में जहाँ पे सामान हटा के साफ़ करना होता है, या फिर जो नीचे में जैसे सोफे के नीचे कुछ जगह ऐसे होते हैं कि जहाँ झाड़ू लगाना पॉसिबल नहीं होता, तो उस जगह पे अक्सर धूल जो है वो जाके जमा हो जाते हैं। तो आज लगे हाथों इन्हें भी साफ़ कर लूँगी। एक दिन में अगर बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई का काम करते हैं तो फिर उस काम को करते करते बोर भी हो जाते हैं और फिर उसके बाद वो एनर्जी नहीं रहता है कि चलो दूसरा और कुछ काम करें। तो इसलिए मैं एक दिन की जगह थोड़ा थोड़ा करके ही साफ़ सफाई का काम करती हूँ। यहाँ पे देखिए मैं इस ब्रश की सहायता से कुशन को भी देखिए झाड़ रही हूँ, क्योंकि हमारे अक्सर कुशन में ढेर सारे बाल लगे हुए रह जाते हैं, तो इस ब्रश की मदद से ये सारे बहुत आसानी से साफ़ हो जाएंगे। यहाँ पे मैं एक पुराना वाला कर्टन का इस्तेमाल कर रही हूँ। जब भी मुझे सोफे को कवर करना हो मैं बेडशीट के साथ साथ इस तरह के जो पुराने वाला कर्टन होता है उसका मैं यहाँ पे इस्तेमाल करती हूँ। क्या आप भी मेरी तरह खाने में कारी पत्ता का इस्तेमाल करते हैं? तो फिर ये जो हैक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि ये दो तरह से काम करेगा। जब भी मैं कारी पत्ते तोड़ के लाती हूँ उसे अच्छी तरह से धोने के बाद इस तरह से किचन नैपकिन में रैप करके सुखा के मैं इसको एक चावल के डिब्बे में डाल देती हूँ। इसके दो फायदे हैं, एक तो चावल के डिब्बे में कड़ी पत्ते को रखने से चावल में कीड़े नहीं लगते, और दूसरा बिना धूप के भी ये कड़ी पत्ते बहुत आसानी से सूख जाते हैं। जब 2-4 दिन के बाद इसे निकालेंगे फिर देखिए ये कितना सुंदर ड्राई हो गया है। अब इसे मैं एक ग्लास जार में रख के उसे किचन में रख दूँगी और जब चाहे बहुत आसानी से इसे इस्तेमाल करूँगी। साफ़ सफाई करते समय इस तरह के ग्लव्स का हम सभी इस्तेमाल करते हैं, तो मैं भी जब भी इस तरह के ग्लव्स फट जाते हैं तो उसे पूरा फेंकती नहीं हूँ, बल्कि इस तरह से पतले पतले करके इसका मैं देखिए इस तरह से ढेर सारे टुकड़े निकाल लेती हूँ, क्योंकि ये फ्री में ही ढेर सारे रबर बैंड बन के तैयार है। अब जब भी मुझे बड़ा रबर बैंड का ज़रूरत पड़ता है तब बड़ा वाला इस्तेमाल करती हूँ, और छोटा ज़रूरत पड़ने पर छोटे का इस्तेमाल करती हूँ। त्यौहार का समय है तो घर के साथ साथ मोबाइल कवर को भी तो चमकना चाहिए। तो देखिए ये बहुत ही वायरल वाला हैक आप लोगों के साथ आज एकदम लाइव टेलीकास्ट में शेयर कर रही हूँ।
सभी कहते हैं कि इस तरह से अगर मोबाइल कवर में हम टूथपेस्ट लगा दें तो ये जो पीला पड़ गया है कवर, ये बहुत आसानी से सफ़ेद हो जाएंगे, यानी ये बिल्कुल नए जैसा बन जाएगा। तो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे देखिए ये टूथपेस्ट को लगाई और उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा गुनगुना गर्म पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। कुछ देर के बाद जब मैं इसे फिर से अच्छे पानी से साफ़ की तो देखिए ये कवर जो है मोबाइल कवर, ये पूरा साफ़ तो हो गया लेकिन पीला हल्का हल्का रह गया, यानी पूरा सफ़ेद नहीं हुआ, यानी ये वायरल है, बिल्कुल भी काम नहीं करा। मेरी तरह आप सबके घर पे भी इस तरह के बैम्बू के पौधे तो रहते ही हैं, तो ये लकी बैम्बूस के कुछ बैम्बूस सूख गए थे तो ये देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। तो मैं सोची जब मैं घर को ही सजा रही हूँ, इसका नया लुक दे रही, तो चलो आज मैं इस बैम्बू प्लांट्स का भी कुछ नया लुक दे देती हूँ। तो जो बैम्बू सूख गए थे उसे खोल देती तो फिर इसका जो टाई किया हुआ है ये ढीला पड़ जाता और देखने में अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं यहाँ पे देखे उस बैम्बूज को वाटर कलर से पेंट कर दी। अब दूर से देखने पर किसी को पता ही नहीं चलेगा कि इसमें कौन कौन से बैम्बू सूख गए हैं, तो सूखे हुए बैम्बू देखने में अच्छे भी नहीं लग रहे थे, तो इसलिए मैंने देखे इसका कलर क्या, अब ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इसी के साथ साथ जो भी पत्ते सूख गए थे और सूखने वाले थे उसको मैं यहाँ पे काट दी। कुछ चीज़ें हमारी ऐसी होती हैं जो हमारी बहुत ही फेवरेट होती है और उसे हम बाहर नहीं निकालना चाहते, तो ये जो चिकन करी का काम किया हुआ कुर्ती है ये मेरा बहुत ही फेवरेट कुर्ती है क्योंकि इसका कलर मुझे बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं इसे सामने का जो पोर्शन था उसका सिलाई मैं खोल दी। अब ये कुर्ती के जगह फ्रंट ओपन श्रग बन के तैयार है। घर की साफ़ सफाई तो कर ली, फिर भी क्या आपको छिपकली दिख रहा है? जैसे मुझे अभी यहाँ पे छिपकली दिख रहा है और इसे मैं भगाने के लिए देखिए यहाँ पे एक सॉल्यूशन बनाई हूँ जिसे स्प्रे करते ही ये छिपकली बिल्कुल दुम दुमा के भाग जाएगी, फिर ये मेरे घर के आसपास बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी। इसलिए मैं यहाँ पे एक पानी का बॉटल में थोड़ा सा विनेगर मिला ली, यानी वाइट विनेगर। अब इसे मिक्स करने के बाद मैं ये खिड़की के चारों ओर जहाँ जहाँ से छिपकली आने की पॉसिबिलिटी है वहाँ वहाँ मैं इस पानी को स्प्रे कर दूँगी। देखिए जैसे ही छिपकली की तरफ भी मैं इसे स्प्रे कर रही हूँ ये बिल्कुल दुम दुमा के भाग रही है, यानी अब ये घर से निकलने का कोशिश कर रही है। पूरे घर का ख्याल रखने के साथ साथ घर के मेंबर्स का ख्याल रखने के साथ साथ अक्सर हम खुद को इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन हमें अपना भी ध्यान रखना चाहिए और इसलिए अपने स्किन का बहुत ज़्यादा केयर करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ये द मॉम्स को का नेचुरल वीटा रिच फेस सीरम को कुछ दिनों से यूज़ कर रही हूँ और यूज़ करने के बाद ही मैं इसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इस सीरम का कई सारे फायदे हैं, जैसे ये हमारे स्किन को हाइड्रेट नहीं होने देते, ये हमारे जो स्किन में पिगमेंटेशन होता है उसको रिड्यूस करने में मदद करती है, हमारे जो फाइन लाइंस होते हैं यानी रिंकल्स पड़ता है इसको कम करती है और साथ साथ हमारे स्किन टोन्स को भी इम्प्रूव करती है। सबके स्किन टाइप्स अलग अलग होते हैं तो इसलिए किसी के भी स्किन में कौन सा सूट कर रहा है नहीं कर रहा है इसके लिए वो ज़रूर एक छोटा सा सैंपल मंगवा के उसे यूज़ करके देखें कि वो उनके स्किन के लिए सूट किया या नहीं। और इसीलिए द मॉम्स को कई सारे प्रोडक्ट्स का ₹1 में देते हैं, यानी वो सिर्फ डिलीवरी चार्जेस लेते हैं ताकि हम उसे चेक कर पाए कि वो हमारे स्किन के लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं, ताकि अगले टाइम हम इसे अच्छी तरह से परचेस करें। जब समय की कमी हो और बाथरूम के मार्बल्स को क्लीन करना हो तो उस समय मैं ये रूफ T16 सेरा क्लीन का इस्तेमाल करती हूँ। थोड़ा सा पानी दे देने के बाद उसके बाद इस लिक्विड को दे के मैं 5 से 10 मिनट के लिए इसे छोड़ देती हूँ और इससे बहुत आसानी से ये जो भी जितनी दाग रहते हैं गंदगी रहती है वो साफ़ हो जाती है।
और उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा पानी देके इस तरह से वाइप करती हूँ, आप देखिए सारे मार्बल्स एकदम साफ़ हो गए, यानी बिना घिसे बिना ज़्यादा मेहनत के बाथरूम क्लीन करने का ये सबसे शॉर्टकट तरीका है। घर को सजाने के लिए बहुत समय कई नई नई चीज़ें खरीदना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन कुछ पुराने चीज़ों का जो टूट गया है या फिर वो यूज़ करने लायक नहीं है, उसका भी हम एक नया लुक दे सकते हैं। जैसे ये मेरा स्टील का मसाला डब्बा था जिसका कोना से एक दो जगह टूट गई थी, यानी एक क्रैक आ गया था। तो देखिए इसे मैं कितना खूबसूरत सा एक गोल्ड स्प्रे पेंट करके फिर इसे मैं इस तरह से डेंड्राइट से इसमें एक लेस लगा रही हूँ। उसके बाद ये देखिए देखने में कितना खूबसूरत लगेगा। और इसके कुछ डिब्बों को भी मैंने कलर कर दिया, अब इसको मैं सेंटर टेबल में सजाने के लिए इस्तेमाल करूँगी। जैसे हम घर के छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, ठीक उसी तरह घर का बजट पे भी हमारा ध्यान रहता है। जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करें, जो भी चीज़ें खरीदें उसे ज़रूर एक बार दूसरे और भी किसी भी ऐप में एक बार वेरीफाई ज़रूर कर लेना चाहिए कि सेम चीज़ का प्राइस कौन सा जगह पे कम है और कौन सा जगह ज़्यादा प्राइस में दे रहा है। तो जैसे देखिए मैं एक ही ब्रांड का मैं यहाँ पे ये जो मैक्सी ड्रेस है इसका मैं ऑर्डर की थी, तो एक जगह मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया और एक मैंने मिंट्रा से मंगवाया। दोनों ही ब्रांड सेम है, फैब्रिक के हैं और दोनों का ही साइज भी सेम है, यहाँ तक कि आप देख रहे हो प्रिंट सेम है, क्वालिटी वाइज भी सेम है, लेकिन सबसे ज़्यादा अंतर है प्राइस में। एक जगह की प्राइस 400 चल रही थी और दूसरे जगह की 800। कुछ भी चीज़ें खरीदे तो ज़रूर इसके प्राइस और ब्रांड वाइज इसके चेक कर ले कि कौन सा जगह पे आपको अच्छे प्राइस में ऑफर में मिल रहा है। तो दोस्तों आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी ये बात आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छा लगने पर इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने पर मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके घर तक पहुंच जाएगी और जाते जाते मुंह मीठा करते जाए। और ये मिठाई आप लोगों को कैसे लगी ये बात भी आप कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। तो अगली वीडियो में फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।